नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। किसानों का दिल्ली कूच आज, अन्नदाताओं की क्या है डिमांड, क्या है आंदोलन की रणनीति। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के अलावा कई और राज्यों के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। करीब 2 साल पहले 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी की थी। इसे दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए दिल्ली की एक बार फिर घेराबंदी की जाएगी। ऐसे में हरियाणा के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की है। इसके लिए पंजाब और हरियाणा एवं हरियाणा और दिल्ली के बीच की सीमाओं को कर दिया गया है और पिछली बार के विपरीत इस बार किसान केंद्र सरकार से कई उपायों की मांग कर रहे हैं जो खेती की वित्तीय व्यवहारता के लिए आवश्यक हैं। पहले के विरोध प्रदर्शनों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी किसान संगठन, जिनकी संख्या 40 से अधिक थी, संयुक्त किसान मोर्चा SKM के तहत साथ आए थे। इस बार उस संगठन का एक टूटा हुआ गुट विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने प्रमुख किसान नेताओं को बाहर कर दिया है, जैसे दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उगराहा, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चारुनी। SKM गैर राजनीतिक में जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व वाला BKU दल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर के नेतृत्व वाला किसान मजदूर मोर्चा शामिल है, जो 17 कृषि संगठनों के समर्थन का दावा करते हैं। 13 फरवरी के दिल्ली चलो मार्च से पहले पंजाब में पंडेर और दल्लेवाल और हरियाणा से अभिमन्यु कोहर SKM गैर राजनीतिक के सबसे प्रमुख चेहरे रहे हैं। वहीं पिछले विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले बड़े किसान नेता वेट एंड वॉच मोड में हैं। राकेश टिकैत जैसे कुछ लोगों ने 16 फरवरी को भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। SKM नेताओं का सतर्क रुख, जिन्होंने इस बार पीछे रहने का फैसला किया है, किसान संगठनों के अंदर गहरी गुटबाजी का संकेत देता है। इस बार जाट समुदाय के संगठन खाप ने थोड़ा उत्साह दिखाया है, जिन्होंने पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर लामबंदी की थी। हालांकि पिछली बार मुख्य रूप से पंजाब के किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए थे। इसके बाद दिल्ली खाप हरकत में आई थी। प्रदर्शनकारी किसानों की क्या है मांगे? इस बार किसानों की मुख्य मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल में 2 बार लगभग 2 दर्जन वस्तुओं के लिए MSP निर्धारित करती है। MSP के तहत अधिकांश फसल खरीद पंजाब और हरियाणा से होती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं और चावल की उपज होती है, जो सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सपोर्ट करती है। किसान ऐसा कानून चाहते हैं जो हर फसल का MSP की गारंटी दें। हालांकि कानूनी गारंटी की मांग को लेकर सरकार की कई चिंताएं हैं, जैसे वैश्विक कीमत खरीद के लिए सरकार पर दबाव, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और केंद्रीय व्यय। दूसरी प्रमुख मांग कृषि पर MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना है। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।